नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं। अब सपोज कीजिए आपके पास आपके 4 या 5 या 6 या 10 या 50 अकाउंट्स हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट में कोई भी लिमिट ऑर्डर लगाएं और वो आपसे रिलेटेड सारे अकाउंट्स में लग जाए, या फिर आप उस लिमिट ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं, और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे मॉडिफाई या कैंसिल का वो सारे के सारे अकाउंट्स में हो जाए, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरीके का ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो है आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एल्गो ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो यह है कि आप अपना खुद का अगर ट्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग दोनों साथ साथ पैरेलली चलती रहे, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली क्या होता है, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और टोकन ले लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, तो उसके बाद आप अपना वेब ब्राउज़र पे यूज़ नहीं कर पाते। कुछ कुछ ब्रोकर्स के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है कि अगर आप लॉगिन करेंगे और टोकन ले लेंगे किसी भी ब्रोकर का, जो भी आपका ब्रोकर है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा फंक्शन ये है दोस्तों कि आप मास्टर बन सकते हैं। मास्टर बनने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के या फिर अपने क्लाइंट्स के किसी के भी अगर अकाउंट हैंडल करना चाहते हैं, 4, 5, 6, 10 क्लाइंट हैं आपके या आपकी फैमिली के अकाउंट्स हैं और आपको उनका एक्सेस है, आप चाहते हैं कि उनके ट्रेड्स आप करें, तो वो भी आप यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं। उसके लिए आपको मास्टर का एक्सेस लेना होता है, और मास्टर का एक्सेस लेने के लिए आपको 2000 रुपीज़ का वन टाइम चार्ज लगता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म दिखता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी अकाउंट लॉगिन कर रहा हूं वो है मेरा मास्टर का अकाउंट। ठीक है, क्लाइंट अकाउंट और मास्टर अकाउंट में क्या क्या फ़र्क होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मास्टर अकाउंट में दोस्तों सबसे पहले आने के बाद आपको इस तरीके के टैब्स दिखते हैं, ऑथेंटिकेशन, मार्केट वॉच, ट्रेड इन्फो, ब्रोकर पैनल और यूज़र इन्फो। ये जो यूज़र इन्फो का पैनल है दोस्तों, ये आपको तभी दिखता है जब आप मास्टर अकाउंट यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्लाइंट अकाउंट भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्लाइंट अकाउंट है। इस क्लाइंट अकाउंट में मार्केट वॉच मिल जाता है आपको, ट्रेड इन्फो मिल जाता है, ब्रोकर पैनल मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लाइंट वाला जो मैं आपको दिखा रहा था यूज़र इन्फो वो नहीं मिलता। ठीक है, तो यूज़र इन्फो में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अच्छा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी लोगों के आप अकाउंट क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे अकाउंट आपके अंडर मैप हो जाएंगे, और फिर अगर आप अपनी कोई भी ट्रेड करेंगे और वो टोकन लेके रखेंगे तो उनका ट्रेड भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्रिएटेड अकाउंट्स की डिटेल देख सकते हो कि कौन कौन से अकाउंट मैंने क्रिएट करें, जैसे यहाँ पर आ रहे 3-4 अकाउंट्स। उसके बाद माई क्लाइंट्स पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर माई क्लाइंट्स में दिखेंगे ये जैसे अलग अलग अकाउंट्स आ रहे हैं। तो इसमें एक अकाउंट है आप देखेंगे वैलिड आ रहा है, जिसमें पायल का नाम लिखा है, ये अकाउंट वैलिड है। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें टोकन नहीं लिया या टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो इन अकाउंट्स पे कोई ट्रेड नहीं जाएगा जिनका एक्सपायर हो गया या टोकन नहीं है। जिसमें टोकन है वैलिड है सिर्फ उसी अकाउंट में ट्रेड जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो और लिमिट ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, सबसे पहले हम मार्केट वॉच पे, यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे हो मार्केट वॉच आ रही है लेफ्ट साइड में, इसमें एक ट्रेड डालेंगे। ठीक है, इस पर ट्रेड डालने के लिए हम यहाँ पर बाय का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड दोनों अकाउंट्स का आपको ट्रेड दिखाऊंगा। इसके लिए मैं अलग अलग दो आधी आधी स्क्रीन पे इनको स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक अकाउंट है जो लेफ्ट साइड वाला अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, और जो राइट साइड में आपको अकाउंट दिखेगा ये एक क्लाइंट अकाउंट है। ठीक है, यूज़र अकाउंट है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर MIS करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 1 और प्राइस डालेंगे PNB का 45 रुपीज़ 50 पैसे, और इसको लिमिट ऑर्डर करके प्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, अभी हम जाके अपने यहाँ पर ऑर्डर बुक में देख सकते हैं उसको। ये रहा ऑर्डर बुक, यहाँ पर ओपन दिखा रहा है, इसको मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है। ऐसा ही हम यहाँ पर अपने अकाउंट में जाके देखेंगे, तो जब ब्रोकर पैनल की ऑर्डर बुक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों अकाउंट्स में आपको दिख रहा है ऑर्डर का डिटेल। ठीक है,
अभी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको 45.90 करना चाहता हूँ, 90 करके मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। तो जब मैं मॉडिफाई करूँगा तो सेम अकाउंट में यहाँ पे भी मॉडिफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 45.9 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी 45.9 है। अब मान लीजिए हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम कैंसिल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखोगे कि अकाउंट से, दोनों अकाउंट से ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और ये एक ही टाइम पे दोनों अकाउंट्स में हो रहा है, आप देख सकते हो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 सेकेंड का डिफरेंस है, 14:47 है, 14:46 है, ठीक है। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स के अकाउंट होंगे, चाहे वो 1 हो चाहे 20 हो, उनमें सब में एक टाइम पे ही ट्रेड जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरीके से आप ऑर्डर को पेंडिंग ऑर्डर भेज सकते हो, लिमिट ऑर्डर भेज सकते हो। और अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि कई बार क्या होता है स्लिपेज आता है, और आप चाहते हो कि भाई एक अकाउंट में जो ट्रेड जाए वो सब में चला जाए, तो वो स्लिपेज बच जाएगा आपका, क्योंकि उस टाइम पे वो प्राइस चल नहीं रहा होता। अभी जो प्राइस PNB का चल रहा है उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है PNB का, वो 48 रुपीज़ 10 पैसे चल रहा है। तो इस लेवल पे तो नहीं आएगा वो प्राइस, तो जैसे 46 रुपये आएगा मार्केट का प्राइस, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये फंक्शन है। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो एंजल ब्रोकिंग का है, और जो स्लेव अकाउंट है, जो क्लाइंट का अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, वो अकाउंट दूसरे ब्रोकर का है, वो अकाउंट है आपका जीरोधा का। ये देखो आप जीरोधा का, तो जीरोधा के अकाउंट में ट्रेड गया है एंजल के अकाउंट से। तो इस तरीके से आप मल्टी ब्रोकर्स में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही ब्रोकर के साथ अकाउंट होगा तभी आपका ट्रेड होगा। अगर अलग अलग ब्रोकर्स पर भी आपका अकाउंट है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आप यूज़र के अकाउंट में जाते हैं, ये रहा यूज़र का अकाउंट, अगर आप यूज़र के अकाउंट में जाते हैं तो अगर आपको कॉपी करना है ट्रेड्स, तो यहाँ पे बिकम अ मास्टर का बटन आता है, इस पर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा गेटवे पर। गेटवे पर जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे आपका अकाउंट चेंज होकर मास्टर का अकाउंट हो जाएगा, और फिर आपको इस तरीके की ये क्रिएट यूज़र करने की और ये सब विंडोज़ दिखने लगेंगी। जब भी आप किसी का एक यूज़र क्रिएट करते हो तो उसको 1 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। जैसे मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा श्री, और ईमेल डाला मैंने उसका, ऐसे कुछ भी मैं ईमेल डाल सकता हूँ, श्री@gmail.com। अगर मैं सही ईमेल डालूँगा, जैसे जो भी करेक्ट ईमेल होगी, अगर मैं वैसा ईमेल डालूँगा तो वो ईमेल पर उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। अगर आप सही नहीं डालना चाहते, आप नहीं चाहते कि उनके आपके किसी क्लाइंट की डिटेल्स कहीं पर शेयर हों, तो आप इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हो। पासवर्ड में 123456 डाल दिया और मैं सबमिट कर दिया। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड आ गया। अब अगर मैं माई अकाउंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर माई क्लाइंट्स में आप देख सकते हैं 1 दिन के लिए वैलिडिटी दिख रही है, यानी कि 1 दिन के लिए ट्रायल आप ले सकते हैं, अपने यूज़र्स का ट्रायल करके देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपके सारे क्लाइंट्स को चले जाएंगे, और उनको मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।